धर्मशाला भाजपा मंडल द्वारा आभार रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान नव निर्वाचित विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि विकट परिस्थितियों के बावजूद धर्मशाला की जनता ने जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की दुकानों और होटलों पर छापेमारी की गई। धर्मशाला को सरकार ने एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल रही। उन्होंने कहा कि कई बूथों में भाजपा के पक्ष में काफी मतदान हुआ। बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 बूथों का पूरा मान सम्मान किया जाएगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि जिन बूथों में कमी रही उन बूथों पर अभी से कार्यकर्ता जुट जाएं, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि शुरू हुई है। सुधीर ने कहा कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाए। आज ये मंडल द्वारा आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो उनका धन्यवाद किया गया, सराहना की गई है, और जो प्रमुख हमारे पदाधिकारी थे चुनाव की दृष्टि से उनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो क्योंकि चुनाव में बहुत भारी विजय धर्मशाला की जनता ने और कार्यकर्ताओं की जो मेहनत दिन रात की थी वो सफल हुई है और लोगों में उत्साह है, उसी का कार्यक्रम था। देखिए, चुनौतियाँ तो हर कार्यक्षेत्र में रहती हैं, लेकिन जो है सब लोग मिलकर के कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती जो होगी उसको पार करेंगे। और जो प्रदेश की सरकार है वो 68 में से जो है 61 चुनाव क्षेत्रों में 61 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी से पराजित हुई है। जनता ने अपना संदेश दिया है और जनता चाहती है कि प्रदेश में शीघ्र बदलाव हो, तो उसके ऊपर जो है हमको कार्य करना है। देखिए, उनको गति देनी है, पूरा करना है। पहले तो चुप भी रहना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि विपक्ष की भूमिका है, जब तक है, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन उसमें भी जो है मुखर होकर के इन मुद्दों को रखा जाएगा। ये देखिए, केंद्र के प्रोजेक्ट हैं और केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी कि इनको किस तरह से जल्दी धरातल पर उतारा जाए। प्रदेश सरकार का रुख तो हम पहले ही देख चुके हैं, उनसे कोई खास उम्मीद धर्मशाला की जनता को नहीं है, ना ही मुझे है।